मुख्य नगर पालिका कल्याण संघ के गठन के बाद हुई पहली साधारण सभा की बैठक नगर के क्रिसेंट ग्रीन में संपन्न हुई। इस साधारण सभा बैठक में प्रदेश के 52 जिलों में से अधिकतर जिलों में सेमो मौजूद रहे व सभी ने बारी बारी से अपनी बात रखी। बैठक में एक राय से महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिसके विस्तार से जानकारी संघ के महासचिव संदीप श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि आगामी वर्षों में हमारी गतिविधियां क्या होंगी और हमारी जियाज मांगों के संबंध में हम शासन को अवगत कराएंगे। आज के समय में लगभग सभी नगर पालिका में निर्वाचित नगर परिषद का गठन हो गया है, पर अक्सर ये देखने में आया है कि नगर पालिका पार्षद या अध्यक्ष महिला निर्वाचित हुए हैं, पर नगर पालिका के कार्य में हस्तक्षेप उनके पति करते हैं। इस संबंध में संघ शासन को अवगत कराएंगे कि पार्षद या अध्यक्ष पति नगर पालिका के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। दूसरी मुख्य समस्या, नगर पालिका में कार्यरत कर्मियों की तनख्वाह को लेकर शासन के आदेश अनुसार तनख्वाह 5 तारीख तक मिल जानी चाहिए, पर शासन हमें तनख्वाह चुनके क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान 15 से 20 तारीख के बीच में देती है। इस परिस्थिति में हम इसे कैसे 5 तारीख तक कर्मियों की तनख्वाह दे सकते हैं। इस तरह की अन्य और भी कई समस्याएं हैं, जिन्हें लेकर अतिशीघ्र ही संघ राज्य शासन को ज्ञापन सौंपेंगे। संघ के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर बेहतरीन आयोजन के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी संदीप श्रीवास्तव को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संवर्ग के जो अधिकारी हैं, जो राज्य स्तर पर राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा से आते हैं, इन सभी का अधिकारियों का एक संघ का गठन विगत 2018 में हुआ था और संघ का पंजीयन होने के बाद आज संघ की साधारण सभा की पहली बैठक सीहोर में आयोजित की गई। यहाँ इस संघ के अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी का भी आज यहाँ पे पुनर्गठन किया गया है और संघ के जो आगे के क्रियाकलाप हैं और क्या गतिविधियाँ रहेंगी उनका निर्धारण आज की इस बैठक में। आज की इस बैठक में कई मूलभूत मुद्दों पर शासन को अपनी बात कहने के बारे में हमें बिंदु तय किए हैं, जिनमें जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको ब्रीफ किया है, नगरीय निकायों पर जिस तरह के कुछ आर्थिक बोझ अन्य विभागों की गतिविधियों पर आ रहे हैं, उनके बारे में शासन को अवगत कराया जा सकता है। यहाँ इस संघ की बैठक में महिला अधिकारी भी उपस्थित हुई और सभी अधिकारियों ने, जैसा कि अन्य पंचायती निकायों में हुआ है राज्य शासन की ओर से, कि महिला अगर जनप्रतिनिधि हैं तो वो स्वयं बैठकों में भाग लें, उसी की आधार पर नगरीय निकायों में भी इस तरह के आदेश शासन स्तर से जारी करने के संबंध में मांग करने का निर्णय लिया गया। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो यहाँ पे आज डिस्कस हुआ है वो चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि का है। नगरीय निकायों में कर्मचारियों का वेतन तथा चुंगी क्षतिपूर्ति पर ही की राशि पर आश्रित होता है। विगत कुछ समय से देखा जा रहा है कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में शासन स्तर से बहुत ज़्यादा कटौतियाँ की जा रही हैं। दूसरा, ये राशि नगरीय निकायों को माह में 15 से 20 तारीख के आसपास मिलती है, इसके कारण सभी कर्मचारियों का वेतन इसके आने के उपरांत ही होगा। शासन स्तर से पूर्व में निर्देश है कि किसी भी स्थिति में 5 तारीख तक कर्मचारियों का वेतन दिया जाए। जब वेतन जिस मत से आरित होता है उस मत में राशि प्राप्त नहीं होगी तो इस निर्णय का पालन करना भी कठिन होगा। तो इस विषय पर भी शासन को हम बताएंगे कि जो चुकी क्षतिपूर्ति की राशि एक तो बिना कटौती के मिले और दूसरा समय पर मिले, ताकि नगरीय निकाय के कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया जा सके। सीहोर से कवि छोकर की रिपोर्ट।